अबे इससे लड़ना भैंस की टांग भाई इसका भाई भाई ले लिया मैंने बच गया मेरा डायनासोर बच गया गाइस मैं ग्लिच में फंस चुका भाई ये मुझे देख ही नहीं पाएगा भाई ये मुझे देख नहीं पा रहा आप लोग देख पा रहे ना प्लीज हो जा आप सबका स्वागत है मेरा रेम्स यूनिवर्स दुनिया पे। तो गाइस आज का गेम प्ले भाई लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होने जा रही है। फिलहाल आप लोग देख सकते हो पीछे मेरा मेमोरेस्ट है भाई मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा नहीं तो भाई इसका पैर अगर मेरा शरीर के ऊपर गिर जाएगा ना एक भी भाई मैं तो पूरा सीधा ही खत्म हो जाऊंगा। एंड देखो आजकल भाई अपना शहर में अपना घर में यहाँ पर मेमोरेस्ट भी आ रही है आप लोग समझ सकते हो भाई मेमोरेस्ट के थोड़ा थोड़ा करके ना मैं यहाँ पर ट्रैप पे अपना चाल में फंसा रहा हूँ भाई। जब हम लोग को मौका मिल जाएगा भाई उसी टाइम हम लोग मेमोरेस्ट का भाई खेल खत्म कर देंगे एंड उसको भाई अपना कैप्चर बॉल के थ्रू भाई कैप्चर कर लेंगे। फिलहाल आज का गेम प्ले जो कि आप लोगों को बता रहा था बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने जा रही है क्योंकि आज हम लोग वापस से भाई इस वाले लोकेशन पे जाएंगे। इस वाले लोकेशन पर हम लोगों ने भाई कितना बार मारे गया था एंड भाई वहां पर बहुत ही खतरनाक सा खतरनाक पोकेमॉन रहता भाई एक दो पोकेमॉन नहीं भाई बहुत सारा पोकेमॉन वगैरह एंड भाई सब पोकेमॉन बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिलहाल यहाँ पर अभी मैं चेक कर लेते अपना यहाँ पर इन्वेंटरी पे कौन कौन अपने पास है। दो एक थ्रीडीआर है तो एक काम करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने पाल बॉक्स को थ्रू भाई यहाँ पर जो जो पॉकीमन वगैरह भाई यहाँ पर हील नहीं है भाई हील तो खैर सभी है यहाँ पर डायनासोर जब के हम लोगों ने ले लिया एंड एक थ्रीडीआर मुझे एक ही चाहिए नाइट विंग अभी के लिए दो रख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपने इन्वेंट्री पे हम लोगों ने अपना जो पॉकीमन वगैरह भाई ऑल सेट कर लिया। फिलहाल यहाँ पर बाकी सारा पॉकीमन तो काम कर रहे हैं एंड यहाँ पर मेरा भी हेल्थ थोड़ा सा कम है तो मैं थोड़ा खा लेता हूँ यहाँ पर डायनासोर जब को भी थोड़ा खिला देता हूँ। नाइट विंग का भी हेल्थ थोड़ा सा लो था सबको चलो खिला दिया यहाँ पर भरपेट हम लोगों ने खाना खा लिया। खैर भाई आज बहुत ज्यादा तबाही होने वाली है बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला फाइट होने वाली है भाई लिटरली ऐसा खतरनाक फाइट में कभी भी नहीं लिया हूं अपना इस वाले सीरीज पे। तो आज भाई देखेंगे हम लोग क्या अपना ये सब पोकेमॉन के थ्रू क्या उन लोगों से लड़ पाएंगे या नहीं। तो यार फटाफट यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं अपना फीड बॉक्स के अंदर भाई खाना वगैरह तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर बेड़ी वगैरह थोड़ा मैं भी ले लेता हूँ भाई 255 बेड़ी मैंने भी ले लिया एंड इधर पे बाकी सारा ब्रेड वगैरह भाई ब्रेड वगैरह उन लोगों को दे देता है क्योंकि ब्रेड वगैरह उन लोगों को ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर मैं अंडा भी थोड़ा सा ले लेता हूँ थोड़ा सा अंडा मुझे भी चाहिए बाकी सारा चीज एकदम परफेक्ट है। पोकेमॉन बॉल मेरे पास 10 है चलो सही है एंड इधर पे बाकी सारा काम ताम झाम आप लोग देख सकते हो गोल्ड कॉइन वगैरह यहाँ पर अपना बनता जा रही है भाई 202 गोल्ड कॉइन मिल गया एंड इधर पे भी एक भाई पुटली था इधर पे से भी हम लोगों को पैसा मिल गया। फिलहाल अपने पास अभी 7000 गोल्ड कॉइन है भाई बहुत ही तगड़ा। यहाँ पर लकड़ी वगैरह है क्या गाइस लकड़ी वगैरह भाई 147 लकड़ी है भाई इधर से सीधा मैं इधर पे डाल सकता हूँ अपना लकड़ी वगैरह एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ चलो इधर से उठा लेता हूँ लो भाई मेरा बैग पूरा भारी हो चुका है भाई मतलब मेरा पोकेमॉन वगैरह ना बहुत ही तगड़ा काम करता ही रहता है यहाँ पर बहुत सारा ही काम करता रहता है। फिलहाल यहाँ पर पत्थर वगैरह एक बार चेक कर लेता हूँ पत्थर भी यहाँ पर 48 हो चुका है। ऑलराइट तो यहाँ पर पत्थर एंड उड देके तो अपना काम हो चुका है एंड इधर पे अपने को पाल बॉक्स के अंदर ना और एक पोकेमॉन को काम पे लगाना है। फिलहाल ये अपने एक थी डीआर को काम पे लगाना है लेकिन एक थी डीआर को किसका जगह दूं भाई ओके यहाँ पर कैटिबा 2 था अपने पास एक थी डीआर को हम लोगों ने काम पे लगा दिया। फिलहाल यहाँ पर हम लोग अपना पाल बॉक्स को अपग्रेड कर पाएंगे लेकिन उसके लिए अपने को बिल्ड स्पियर वर्क बेंच भाई एक बनाना पड़ेगा। स्पियर वर्क बेंच जब बनाएंगे तब जाके हम लोग का यहाँ पर पाल बॉक्स लेवल 10 का हो जाएगा एंड इधर पे आप लोग देख सकते हो बेस लेवल रिवार्ड भाई मैक्स पाल्स वर्किंग एट बेस 9 ओके चलो ये सब तो सही है उतना खैर मतलब नहीं है इन लोगों से एंड बाकी सारा यहाँ पर हम लोग स्पियर वर्क बेंच कब बना पाएंगे यहाँ पर स्पियर वर्क बेंच हम लोगों का 14 लेवल पे गाइस आप लोग देख सकते हो 14 लेवल हम लोग और ज्यादा दूर भी नहीं है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई 14 लेवल का बहुत ज्यादा नजदीक है हम लोग। यहाँ पर अगर 2-3 पॉकेमॉन के साथ फाइट ले लेंगे ना भाई यहाँ पर अपना पाल बॉक्स भी अपग्रेड हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर नॉर्मली 2-3 पॉकेमॉन के साथ भाई अभी फाइट ले लेता हूँ। ये लो भाई एक ही क्रॉसबो से भाई खत्म भाई एक ही क्रॉसबो से खत्म लामबल भी खत्म यहाँ पर भी एक लामबल खत्म चलो चलो यहाँ पर चिकीपी भी है चिकीपी को भी दिया मैंने इधर पे और एक चिकीपी है लेट्स गो यहाँ पर भाई और ज्यादा नहीं है यहाँ पर अपना लेवल अपग्रेड होने में इधर पे भी और एक चिकीपी को दिया भाई चलो खाना वगैरह भी मिल ही जा रही है एंड अभी पाल बॉक्स अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है लेट्स गो बॉयज यहाँ पर पाल बॉक्स अपग्रेड करने का टाइम। ओ नहीं अपने को तो सबसे पहले यहाँ पर स्पेयर वर्क बेंच बनाना पड़ेगा ठीक है गाइस मैं सोच रहा हूँ भाई इसको ना इधर पे बना डालता हूँ ज्यादा सही रहेगा ओके चलो फाइनली यहाँ पर हम लोग काम पे लग जाते हैं। यहाँ पर अपने पास भाई स्पार्किट भी आ चुका है चलो फटाफट इसका काम होने देते हैं अभी। ऑलराइट तो गाइस फाइनली अपना यहाँ पर स्पियर वर्क बेंच बन चुका है भाई यहाँ पर बस ब्लू कलर का स्पियर बॉल्स वगैरह दिख रही है क्या हम लोग ग्रीन कलर का बना पाएंगे उसके लिए देखना पड़ेगा। ऑलराइट यहाँ पर हम लोग ग्रीन कलर का मेगा स्पियर बना सकते हैं तो भाई ये ज्यादा अपने को जरूरत है मैक्स कितना बना सकते हैं 3 बना सकते हैं हम लोग क्यों 3 बना सकते हैं क्योंकि अपने को इसको बनाने के लिए भाई 15 ऊंट चाहिए होगा
एंड देन यहाँ पर 15 स्टोन चाहिए होगा, प्लेडियम फ्रेगमेंट चाहिए होगा एंड इंगोट भी चाहिए होगा। तो मेरे पास इंगोट कम है, उसकी वजह से अभी के लिए मैं इतना सारा ही बना लेता हूँ। चलो यहाँ पर फटाफट काम पे लग जाता हूँ। भाई कोई है क्या यार, कोई है तो काम पे लग जाओ यार, नहीं मुझे अकेला ही बनाना पड़ेगा आई थिंक। गाइस जैसे कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया ना, यहाँ पर अपने को इंगोट का बहुत ज्यादा काम है। तो भाई देखो आज तो मैं बड़े से बड़े पोकेमोन को पकड़ने जाऊंगा, उसके लिए भाई ग्रीन कलर का मुझे मेगा बॉल बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जो आप लोग यहाँ पर ब्लू कलर का बॉल देख रहे हो ना, इसका भाई जो पावर है भाई कैप्चर पावर बहुत ज्यादा कम होता है, इसकी वजह से हम लोगों को ग्रीन बॉल चाहिए एंड ग्रीन बॉल के लिए गाइस हम लोगों को यहाँ पर इंगोट बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल इंगोट के हम लोग अभी बना पाएंगे, यहाँ पर हम लोग कितना बना सकते हैं भाई, दो बना सकते हैं। फिलहाल मुझे ना ओड़ी तोड़ना पड़ेगा, अभी इसको बनाने दे देते हैं। यहाँ पर अपना फोक्स पड़ आके भाई काम पे लग जाएगा। यहाँ पर ओड़ी का पत्थर मिल चुका है, थोड़ा बहुत ओड़ी वगैरह तोड़ लेते हैं अभी। ऑलराइट फटाफट अभी तोड़ते गाइस एंड अपना बैग फुल करते हैं। भाई बैग ऑलरेडी फुल हो रखा है भाई, सब ज्यादा यहाँ पर हम लोग सामान नहीं उठा पाएंगे एंड ओड़ी बस हम लोग 6 तोड़ पाए फिलहाल यहाँ पर। मैं तब तक के लिए ना ओके ऑलरेडी तो 2 बन गया अपना एंड यहाँ पर और देखते हैं भाई कितना बन पाएगा, और 3 बन पाएगा तो इसे भी हम लोगों ने लगा दिया एंड थोड़ा बहुत सामान वगैरह इधर पे अभी डाल देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास ना ह्यूज रॉकी एग है भाई, ये मतलब बहुत ही खतरनाक सा कोई पोकेमोन वगैरह निकलेगा इन भाई यहाँ पर एक वगैरह से। लेकिन ये सब चीजों के लिए ना मुझे एक मशीन बनाना पड़ेगा एंड वो मशीन हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा, देखते एक बार यार जो है सो है, अभी इसके बारे में मुझे उतना पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता है गाइस यहाँ पर कैसे मैं वो सब अंडा वगैरह को खोल पाऊंगा, भाई कुछ तो मिलता है उस पे भाई हम लोग घुमा के अंडा वगैरह का तो अंडा वगैरह को तोड़ के भाई हम लोग यहाँ पर पोकेमोन वगैरह निकाल सकते हैं। लेकिन वो मैसिन हम लोगों को कहाँ से मिलेगा वो मुझे पता नहीं है अभी के लिए। फिलहाल अभी मेरा बैग थोड़ा बहुत यहाँ पर खाली है तो मैं वापस से यहाँ पर थोड़ा बहुत ओड़ी वगैरह तोड़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे भाई ग्रीन कलर का बॉल बहुत ज्यादा जरूरत है। राइट अभी देखते भाई यहाँ पर कितना बन सकता है, भाई 9 बन सकता है। ओके बहुत ही सही, फिर तो चल यहाँ पर गाइस बहुत ज्यादा रात भी हो चुका है, मैं तब तक ना एक झपकी लगा के आ जाता हूँ। एंड गाइस गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को। एंड भाई मैं एक चीज तो भूल ही गया कि भाई यहाँ पर हम लोग पाल बॉक्स अपग्रेड कर सकते हैं भाई, तब से हम लोगों ने पाल बॉक्स अपग्रेड ही नहीं किया एंड फाइनली गाइस अपना पाल बॉक्स लेवल 10 का हो चुका है। एंड अभी 11 पे जाने के लिए हम लोगों को 3 चीज करना पड़ेगा, बिल्ड कुकिंग पॉट, बिल्ड व्हीट प्लांटेशन एंड बिल्ड मिल। भाई ये तीनों चीज करना पड़ेगा। आई होप सो ये सब हम लोगों को भाई मतलब जब लेवल अपना अपग्रेड थोड़ा थोड़ा करके होता जाएगा ना तब हम लोग कर पाएंगे। फिलहाल अभी के लिए हम लोग यहाँ पर वापस से और एक नया पोकेमोन को काम पे लगाएंगे। एंड भाई किसको काम पे लगाया यार, यहाँ पर हुडकेट्स को ही भाई काम पे रख देते हैं, वो बाद में काम करता है एंड अच्छा काम करता है। लेकिन नहीं नहीं अभी भी काम करने चला गया यार, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है सो है, अभी करने देते इन लोगों को काम। एंड यहाँ पर मेरा 9 इंगोट भी बनकर रेडी हो चुका है। अभी चलो वापस से यहाँ पर गाइस ग्रीन कलर का स्पेयर बॉल बनाते हैं एंड इधर पे थोड़ा अटक रहा हूं मैं, लेट्स गो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर देखते हैं 14 बन सकता है भाई, फटाफट काम पे लग जाते हैं, यहाँ पर 14 ग्रीन बॉल बन पाएगा तो भाई फटाफट ये सबको बना लेता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर फाइनली अपना 14 ग्रीन बॉल बनकर रेडी हो चुका है गाइस, आप लोग देख सकते हो। एंड मैं तब तक के लिए सोच रहा हूँ ना, अपने पास सूट वगैरह तो बहुत ज्यादा है एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास एरो वगैरह बहुत ज्यादा कम हो चुका है, 35 एरो है। तो यहाँ पर मैं ना तब तक एक काम करता हूँ भाई, एरो वगैरह काम पे लगा देते हैं एंड यहाँ पर 116 तो हम लोग नहीं बनाएंगे, खैर यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देते हैं, 75 का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं एंड 225 यहाँ पर अपना एरो बनके रेडी हो जाएगा। तो भाई एरो वगैरह का बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि अपना क्रॉसबो बहुत ज्यादा काम का चीज है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को जो ये वाला पोकेमोन दिख रहे हैं ना, मैं ग्रीन टेल में आज सबसे पहले इसके पास जाऊंगा। कल तो देखो भाई इस वाले एरिया पे भाई लड़ लड़ के मेरा हालात खराब हो गया था, तो मैं अभी सोच रहा हूँ भाई इस वाले ग्रीन टेल का पास जाऊंगा, इसको कैप्चर करूंगा, उसके बाद भाई इसको लेके ना ये सबको हराऊंगा तो ज्यादा बेहतर होगा ना। एंड गाइस यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट ट्रेवल भी यूज कर सकता हूँ वैसे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर उसको कैप्चर करने के बाद गाइस यहाँ पर ना एक नाइटिंग को हटा के रखते हैं एंड जब हम लोग इस वाले पोकेमोन को कैप्चर कर लेंगे तो भाई डायरेक्टली भाई ये वाला पोकेमोन ना अपना यहाँ पर पाल बॉक्स के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक हम लोगों ने जगह खाली कर दिया तो इसके अंदर आ जाएगा। तब हम लोग डायरेक्टली गाइस इधर से हम लोग इधर पे आके गाइस नहीं भाई इधर से आके इधर पे आके जो लोग मुझे कल मारा था उन लोगों को मारेंगे, ज्यादा सही होगा यार। तो फटाफट अभी चलते इधर से फर्स्ट ट्रेवल यूज करके एंड मेरा नजदीक वाला जगह यहाँ पर भाई इसको ओपन कर लेना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ मार्स आइस लाइन पे भी आज चला जाए। फिलहाल अभी के लिए इधर पे ही चलते हैं। ऑलराइट फाइनली हम लोग आ चुके हैं एंड यहाँ पर अपना एक सीडीआर को निकालते हैं, चलो इसके ऊपर से हम लोग बैठ के जाएंगे। अबे भाई किसी को मारो मत, मैं थोड़ा ना घूम घूम के जाता हूँ भाई, इधर पे वो सब पोकेमोन वगैरह रहते हैं तो मैं थोड़ा इधर से घूम के चला जाता हूँ। फिलहाल यहाँ पर एक सीडीआर एक मिल चुका है भाई, ये सबको मारेंगे तो भाई बहुत सारा हम लोगों का ईएसपी वगैरह मिलेगा एंड जितना ईएसपी मिलेगा उतना यहाँ पर अपना पोकेमोन वगैरह भाई बूस्ट होगा, लेवल भी अपग्रेड होगा एंड पाल बॉक्स भी हम लोग अपडेट पड़ेंगे एंड नया नया चीज भी हम लोग यहाँ पर ला पाएंगे। फिलहाल अभी चलते इधर से ही सीधा। गाइस वो वाला पोकेमोन का कितना नजदीक हम लोग आ चुके हैं भाई, कितना जल्दी जल्दी अपना एक थ्री डी आर यहाँ पर लेके आ चुका है।
फिलहाल चलो अभी। ओ भाई यहाँ पर एक पल्स पेयर मुझे मिल चुका ब्लू कलर का, देखो भाई फ्री में मिल रही है तो भाई लेना तो चाहिए क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा जरूरत है। इधर पे और एक मिल चुका है गाइज आप लोग देख सकते हो, तो इसे भी उठा लेते हैं। इधर पे मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूं एंड इधर पे देखो कितना सारा एक थीडियर है भाई, बहुत सारा। अगर ये सबको मारेंगे ना यहाँ पर बहुत सारा अपने को भाई ईएसपी वगैरह मिल जाएगा। एंड यहाँ पर एक लिफ्ट मार्क मिल चुका है, बहुत ही सही, इसे उठा लेते हैं, इससे अपना कैप्चर पावर और भी बढ़ जाएगा। फिलहाल लेट्स गो, अबे ये वाला उठ चीज उठ जा, ओके चलो उठ गया। एंड इधर पे और एक ओके यही है बॉस पोकेमोन गाइस, ये वाला है बॉस पोकेमोन। तो गाइस आप लोग रेडी हो बॉयज, आप लोग रेडी हो बॉस पोकेमोन से लड़ने के लिए? गाइस मैं बहुत ज्यादा रेडी हूँ और आप लोग भी रेडी हो जाओ। लेवल 17 का है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर फुल ऑन जाओ पोकेमोन, लड़ो 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 भाई सब। यहाँ पर मैं ना अपना क्रॉसबो को निकल के बैठता हूँ। ओ भाई क्या ही खतरनाक हिल कम कर रही है उसका, ओ लिटरली, ओ ओ भाई मेरा राइट विंग का हेल्थ देखो कितना लो हो रही है। अबे आ जा, ओ बच गया मेरा पोकेमोन, बच गया, ओ मेरा पोकेमोन बच गया भाई, उसके ऊपर छलांग लगाने वाला था। ओ ओ ओ ओ ओ भाई दिया, ओ ओ आ जा तू इधर पे आ जा, अभी वापस से जा, अभी वापस से जा, चल इधर से देता हूँ मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके। ओ भाई मेरा नाइट विंग मर गया क्या? नहीं बच गया भाई, इसका हेल्थ कितना ज्यादा। ओ मैं बच गया, तेरी भैंस की टांग भाई, मेरा नाइट विंग गया क्या? बच गया भाई, यहाँ पर इसको छोड़ते हैं। अबे मेरे को मत मार, मैंने क्या किया दोस्त भाई, इसको लेना तो है ही है। ओ भाई मेरा हेल्थ हो गया, ओ मुझे कोई बचाओ, इसको मारो यार, जितना हो सके इसको। अबे मेरे को मत मारियो, मैंने क्या कर डाला? ओ तू इधर लड़, इधर इससे लड़, अबे बच गया मैं वापस से, बच गया। अबे इससे लड़ना, मेरे से क्यों लड़ने आ गया? अबे इससे लड़ना, भैंस की टांग भाई इसका, भाई भाई ले लिया मैंने, बच गया, मेरा डायनासोर बच गया। इससे लड़ भाई, इससे लड़ यार, मेरे को मत मार, बच गया भाई, मैं क्या ही खतरनाक बच रहा हूँ, भाई। ओ इसको आग लग गया भाई, इसको आग लग गया, बहुत ज्यादा हेल्थ कम हो गया। ओ मैं बच गया भाई। यहाँ पर मुझे पत्थर चाहिए भाई, वो जो पत्थर आप लोगों को दिखा ना भाई, ये वाला पत्थर मुझे चाहिए। ओ ओ ओ जाओ वापस से लड़ो, वापस से इससे लड़ो। ओ वो लिटरली क्या हो रही है भाई, ये क्या हो रही है ये। अबे मेरे को मत मारियो, ओ मेरे पास आ गया, ओ बच गया मैं, बच गया। अबे इधर पे लड़ इससे लड़। अबे मेरे से क्यों लड़ रही है, मैंने क्या किया, मेरे पोकेमोन को मारना भाई, मेरे पोकेमोन को मार, मेरे से मत लड़। इसको तो मैं भी मार रहा हूँ ना यहाँ पर। भाई इससे लड़ भाई, डायनासोर इधर पे। तू किधर उतर रही है भाई, तू किधर उतर रही है, इससे लड़ना। यहाँ पर मैं मेरा नाइट विंग को वापस से, नहीं नाइट विंग किधर गया, नाइट विंग अपना, और एक नाइट विंग इधर पे है, और एक फुल पावर नाइट विंग ओके इधर पे है। ठीक है, मैंने भाई गलती कर दिया, एक नाइट विंग को रख के भाई इधर पे। ओ चल मारो इसको भाई, मेरे पास ज्यादा एरो भी नहीं है। अबे ज्यादा उसका भी हेल्थ नहीं है भाई, उसका भी हेल्थ नहीं है ज्यादा। मैं काम करता हूँ इधर पे, ये वाला नाइट विंग को छोड़ता हूँ अभी के लिए। ओ भाई सब गया मेरा हेल्थ भाई कितना। अबे तू क्या कर रही है, तू जा ना लड़ना लल्ले, अबे लल्ले तू लड़ लेना, क्या कर रही है भाई, उसको मारना नहीं है पूरा भाई, भाई बॉस पोकेमोन को मारना नहीं है पूरा। मेरे पास एक बॉस पोकेमोन था गाई, अबे मर गया क्या मेरा पोकेमोन? नहीं, अबे मर गया मेरा पोकेमोन, अबे गलत सीन, मेरा पोकेमोन मर गया ये। ओ लिटरली ओ बच गया भाई, इसका हेल्थ जब बहुत ज्यादा लो हो जाएगा ना, मैं अपना ग्रीन बॉल को कैप्चर करके, अबे आ जा तू आ जा। ओ भाई कैप्चर करने के लिए रेडी, मैंने फेंक दिया भाई, कैप्चर हो जा प्लीज। फाइनली गाइस हम लोगों ने कैप्चर कर लिया भाई यहाँ पर बॉस पोकेमोन को एंड उसको हरा दिया हम लोगों ने। लेट्स गो, बहुत ही तगड़ा भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बॉस पोकेमोन अपने पास आ चुका है। एंड भाई इसका हेल्थ 1700 है भाई, डायनासोर जैसा ही है, लेकिन इसका भाई जो पावर है बहुत ज्यादा है। एंड आज हम लोगों को जिसने मारा था भाई, कल हम लोगों को जिसने मारा था भाई, उनको भाई चुन चुन के मारेगा, तुम्हारा भाई चुन चुन के मारेगा, तुम लोग बस देखते जाना भाई, उसको तोड़ फोड़ देंगे, वो इसका मुंह में घुसा लगा देंगे। यार मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ, मैं मार दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा भाई जो मेरा सामने आएगा भाई। मुझे और एक चीज भाई, सिंडिकेट वगैरह मुझे मार रहा था ना भाई, सिंडिकेट की
तो गाइस आप लोग समझ जाओ मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूं, मैं कल से सो ही नहीं पा भाई। उन लोगों को मैं जब मारूंगा तब जाके यहाँ पर मुझे खुशी होगा। वो लोग मुझे बहुत ज्यादा कल मारा था यार, बहुत ही ज्यादा मारा था मुझे भाई, मार मार के मेरा हालत खराब कर दिया था यार, बहुत ज्यादा मारा था। चल गाइस यहाँ पर और एक चीज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मुझे इस वाला मार्स आइलैंड पे जाना है, एंड इस वाले ना जो लोकेशन आप लोगों को दिख रही है मुझे इसे भी अनलॉक करना है। तो मैं फटाफट अभी अपना एक थर्ड डीआर को निकालता हूँ गाइस, एंड एक थर्ड डीआर को लेकर चलता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर मेरा एक पोकेमॉन मार चुका है तो मुझे दूसरा पोकेमॉन को ले आना है। भाई क्या कर रही है, अबे बैठना तो दे मुझे यार, अलग ही सीन चलता है इन लोगों का। फिलहाल यहाँ पर मार्स आइलैंड पे अभी चलते हैं। बॉयज लेट्स गो भाई, तोड़ फोड़ देंगे भाई, किसी को नहीं देखेंगे भाई, मैं किल करने वाला हूँ सबको भाई। इसे भी मारो, इसे भी मारो, इसे भी मारो, मार मार तेरी भैंस की टांग, सबको मारो, सबको मारो, सबको मारो, ओ इसे भी मारो भाई, इसे भी मारो, इसे मारो, क्या कर रहे हो भाई, इसे भी मारो। ओ लो भाई क्या भाई, एक ही झटके में सबको मार रहा हूँ मैं भाई, क्या खेल रहा हूँ यार मैं। ऑल राइट, ये देखो भाई इधर पे आ गया भाई, वो लोग इधर पे आ गया, मैं उतरू सबसे पहले इन लोगों से, एंड मैं अपना भाई अपन, भाई तू आ जा मेरे पास, आ जा भाई, रुको रुको रुको, इसको आने देते भाई, इसको अकेले। ओ भाई देखो यहाँ पर मुसांडा भी आ रही है भाई, वो देखो पीछे से, मैं बोला था ना भाई इधर पे बहुत ही ज्यादा तबाही वाला सीन चलता रहता है यार, मतलब हर एक भाई यहाँ पर पोकेमॉन ना घूमते रहता है भाई इस वाले लोकेशन पे, बहुत ही तगड़ा वाला भाई सीन होता है यहाँ पर। मैं तो आज के मार के ही रहूंगा इन लोगों को, मैं सबसे पहले भाई दोनों के साथ फाइट लेना मुश्किल हो जाती है, तो मैं दोनों के साथ मैं फाइट लेने वाला हूँ नहीं भाई, बेवकूफ मैं नहीं हूँ भाई, एक बार बेवकूफ बन सकता हूँ लेकिन बार बार बेवकूफ नहीं बन सकता मैं। फिलहाल एक को ना इधर पे बुला लेते हैं सबसे पहले, रुएटा मिनट भाई, इसको जाने देते हैं अभी, इसको इधर से बुला लेते हैं। मुसांडा आ रही है, मैं किसको मारू यार, मुसांडा का मारू या इसको मारू, दोनों में ही बहुत ज्यादा पावर है यार भाई। मैं यहाँ पर ना थोड़ा छुप जाता हूँ, उन लोगों को भाई अकेला होने देते हैं भाई, देखो इतना सारा पोकेमॉन के साथ भाई लड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए मैं एक बार अपना पार्टी पे चेक कर लेता हूँ, मेरा बाकी सारा पोकेमॉन वगैरह एकदम रेडी है भाई। चलो इसको अभी मारता हूँ सबसे पहले, लेट्स गो, मारो मारो मारो, चलो आ गया एक, आ गया, आने दो आने दो आने दो, इधर पे आ जा इधर पे आ जा इधर पे आ जा, अच्छे से मजा से फाइट लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इधर पे आ जा तू। ओ दोनों आ गया भाई, दोनों आ गया भाई फाइट लेने, दोनों आ गया, दोनों आ गया फाइट लेना भाई। पानी में उतर भाई, इन लोगों को पानी में उतर, इन लोगों को पानी में उतारो सबसे पहले भाई, मुझे पहले यहाँ पर ऊपर उठने दो, रुको रुको मुझे मेरा पोकेमॉन को बुलाने दो, रुको मुझे पहाड़ में उठने दो सबसे पहले, आ जा पानी में, आ जा पानी में लड़ेंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुंदर से मजा से पानी में लड़ेंगे, आ जा भाई। आज तो मैं यहाँ पर चालाक हो चुका हूँ, बहुत ज्यादा चालाक हो चुका हूँ यहाँ पर, मैं भाई इतना बेवकूफ हूँ नहीं कि भाई जैसे तैसे कैसे भाई इन लोगों को मानने दूं मुझे, तो मैं यहाँ पर बहुत ही मतलब परफेक्ट तरीके से आज खेलने वाला हूँ भाई। देखो मैं किधर ऊपर आ चुका हूँ, बहुत ही तगड़ा वाला, इधर पे अभी आके दिखाओ तुम लोग, वो लोग लेकिन किधर गया, ओ ओ ओ ओ ओ वो लोग तो नहीं दिख रही है यार। ए भाई देखो भाई इधर पे सिंडिकेट वगैरह भी है गाइस, आप लोग देख सकते हो, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बोलता हूँ इधर पे ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला सीन होता रहती है। मैं क्या इधर पे चढ़ पाऊंगा गाइस, ट्राई करते ना एक बार, लेट्स गो लेट्स गो, अगर हम लोग चढ़ पा जाएंगे भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा हम लोगों के लिए, हो जाएगा। प्लीज प्लीज थोड़ा सा और ऊपर चढ़ जाओ, यहाँ पर भाई हेल्थ कम हो रही है भाई, नहीं होगा मैं गिर जाऊंगा, ओ मैंने बोला था ना आप लोगों को मैं गिर जाऊंगा यहाँ से, नहीं होगा भाई, क्या ही खतरनाक कर रहा हूँ मैं, देखो मैं कैसे भाई मंकी की तरह इधर उधर से जा रहा हूँ भाई। ऑल राइट ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो परफेक्ट लोकेशन में मैं तो अभी के लिए आ चुका हूँ, लेकिन बाकी तरह पोकेमॉन ही नहीं दिख रही है भाई। ओ देखो मुसांडा दिख गया, मुसांडा दिख गया गाइस, मुसांडा अकेला है क्या, आई थिंक सो, ओ दिया भाई मुसांडा को दिया, इधर पे हूँ मैं, इधर पे हूँ, इधर पे हूँ, आजा 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 लल्ले बेटे, अबे बेटे लड़ ले, आजा आज तो पकड़ के ही रखूंगा भाई मुसांडो को, आज ऐसे तैसे कैसे मुझे पता नहीं है, पर मुसांडो को पकड़ के ही रखूंगा, आजा वापस से आजा भाई, इसको भाई पानी में बुलाऊंगा, आजा 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 भाई। मुसांडा का एक ही मतलब गंदा वाला चीज है ना भाई, ये थोड़ा आसमान के ऊंचा है, इसे बस पानी में ऐसे तैसे कैसे गिराना है भाई, पानी में अगर गिर जाएगा ना ये बहुत ज्यादा इजी। ओ लो भाई मैंने अपने बंदे को वापस से बुला लिया, जाओ वापस से फाइट ले, आज तो मैं स्ट्रेटजी यूज कर करके खेलूंगा गाइस, आज मैं स्ट्रेटजी यूज कर करके ही खेलूंगा। देखो इसका हेल्थ ऑलरेडी मैंने बहुत ज्यादा लो कर दिया, चलो दूसरा पोकेमॉन को भाई जो अपना बॉस पोकेमॉन था, बॉस पोकेमॉन को अभी भेजते हैं, लेट्स गो। वो भाई आजा बेटा, बेटा आजा, आज तो आजा तू बेटा, आज तो तू आजा भाई, लड़ ले मेरा बॉस पोकेमॉन से भाई। लेवल 27 का होके भी इसका क्या फायदा यार, अगर मेरा बॉस पोकेमॉन से ही लड़ नहीं पाएगा। ओ लो बचा दिया भाई, बचा दिया अपना पोकेमॉन को, ले लड़ ले भाई, इसका हेल्थ ही कम नहीं हो रहा। ओ ओ
ओ इधर पे भाई नीचे भाई उस साइड पे मत जा, उस साइड पे मत जा। ओ ओ, ओ मैंने बुला लिया अपना पोकेमोन को, इधर पे आ जा, इधर पे आ जा। चल 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 भाई, मैंने बोला ना आज भाई पूरा स्ट्रेटजी यूज करके खेलूंगा गाइस। आई थिंक सो गाइस, यहां पर ना मुसंडा अटक चुका है गाइस, आप लोग भी देख सकते हो यहां पर गलत ही सीन हो गया मुसंडा के साथ। अबे मुसंडा आ जाना यार प्लीज, अगर मैं यहां से नीचे उतरू ना भाई और भी ज्यादा गलत सीन हो सकता है। यार मैं यहां पर उतर भी नहीं रहा। नहीं नहीं वो तो नहीं अटका यार, क्या हो गया फिर? जा लड़ ले, वापस आ गया वो, वापस से वो पोकेमोन आ गया मेरे पास। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा मुसंडा मुसंडा से मेरा बंदा लड़ लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चढ़ रहा हूँ। ओ लो भाई साहब, मेरा पोकेमोन है साथ, तो डरने के क्या बात, ज्यादा मानना नहीं है अपने को उसको। बे, 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 भाई वो मर जाएगा क्या अभी? भाई रुको रुको, ओ ओ ओ नहीं 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 भाई, अभी कैप्चर कर सकते क्या हम लोग? अभी और दो तीन तीर मारते हैं। ओ दया नहीं, अभी कैप्चर कर सकते आई थिंक सो। भाई कैप्चर हो जा प्लीज, प्लीज मुसंडा प्लीज कैप्चर हो जा। भाई तेरे को कैप्चर करके ही रहूंगा, तू टेंशन ना ले, तेरे को कैप्चर करके ही रहूंगा मैं। भाई तेरा बाप हूं मैं, तेरे को कैप्चर करके ही रहूंगा आज, तेरे को आज मैं कैप्चर करके रहूंगा तेरे को। मैं ऐसे तैसे कैसे मुझे पता नहीं है। अबे मर गया, अबे तू फिर मारता मैं कैसे? अगर भाई लास्ट तीर एक ही तुम्हारा, वो भी मैं ग्रीन बॉल से कैप्चर कर रहा था भाई, एक ही झटके में मर गया। इसके बाद ना मुझे आई थिंक सो जो एकदम से लो हो गया था उसके बाद मुझे ना मतलब हाथ से मारना पड़ता, मुझे जितना तक लग रही है। लेकिन अगर हाथ से मारने जाता तो भाई वो तो मुझे ही मार डालता। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ग्रीन बॉल से कैप्चर कर रहा था, हाँ फिर भी क्यों नहीं हुआ मैं वो सोच रहा हूँ यार। सबसे पहले यार दिक्कत वाली बात होगी ये तो। एंड एक मेरा अभी पोकेमोन भी मारा जा चुका है, नाइटविंग ज्यादा यहाँ पर डैमेज देता है। फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो और एक मुसांडो को मारेंगे। थोड़ा तो अभी कॉन्फिडेंस आ चुका है मुसांडा को मारने के बाद। चलो गाइस रात का टाइम हो चुका है, यहाँ पर मुसांडा वगैरह एंड वो और एक जब पोकेमोन था भाई जो गोरिल्ला जैसा दिखता था, वो पोकेमोन भी भाई मिल नहीं रहा। फिलहाल यहाँ पर मेरा नाइटविंग भी मर चुका, तो मैं सोच रहा हूँ फटाफट भाई अपने बेस पे जाते हैं एंड मेरा नाइटविंग को भी जिंदा करवा लेते हैं। उसके बाद भाई कल वापस से हम लोग यहाँ पर फाइट वगैरह लेंगे। फिलहाल मेरा ऑलरेडी मेरे पास एक नाइटविंग है दोस्तों यहाँ पर। भाई अब से मैं एक काम करूंगा, जितना हो सके ना मतलब दो दो करके पोकेमोन रख दूंगा फिलहाल अभी के लिए। भाई रेड पड़ने वाली है यार, मैं सो लेता हूँ तब तक, उसके बाद रेड आई हो। और राइट, तो गाइज यहाँ पर सुबह हो चुकी है एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सबको। सबसे पहले गाइस वापस से आज मैं मारने चलूंगा गाइस, ऐसे तैसे कैसे मुझे पता नहीं है यार, लेकिन वो वाला पोकेमोन चाहिए भाई। जो दो आप लोगों को पोकेमोन देखा, एक मुसंडा एंड एक गोरिल्ला जैसा, भाई दोनों ही मुझे चाहिए। फिलहाल चलते हैं अभी के लिए, ढूंढते हैं उन लोगों को वापस से। एंड भाई यहां पर उसका डेड बॉडी अभी भी, ओ मिल गया, उतर भाई उतर, चल 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 एक मिल गया, आ जा। अकेला ही है ना, अकेला ही है। मैं सबसे पहले ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ने की कोशिश करना पड़ेगा दोस्त। ओके लेट्स गो, ओके चल देख लिया तूने, ठीक है आजा मेरी जान, आजा लड़ ले इससे, लड़ ले अबे इससे लड़ ले, मेरे से तो बाद में लड़ेगा तू मेरे से तो बाद में ही लड़ेगा, पहले इससे लड़ ले, तेरे बाप से लड़ ले, भैंस की टांग तेरे बाप से लड़ ले, तेरा सर घूम गया क्या इस टाइम? आजा ओ ओ हाय, बच्चा नहीं हूं मैं, यहाँ पर जा लड़। भाई मुझे ना थोड़ा ऊपर वाला जगह पे जाना पड़ेगा। ऑल राइट आ चुका हूँ इधर पे आ चुका हूँ दोस्तों। भाई थोड़ा बहुत दिक्कत तो हो रही है यार इधर पे लड़ने में, भाई अपना ग्रीन टेल में बहुत ज़्यादा पावर लो हो गया है। ओके अबे मैं नीचे गिर गया, अबे मैं किधर पे अटक गया भाई, इधर से मैं मार पाऊंगा क्या? रुको मैं आई थिंक सो इधर से मार पाऊंगा भाई, मैं किधर पे तो अटक चुका हूँ भाई, आप लोग देख सकते हो इधर पे। भाई ये देख नहीं पा रहा मुझे, भाई मैं अटक चुका हूँ भाई किसी एक जगह पे, तो मैं अटक चुका हूँ भाई आप लोग देख सकते हो। मैं इसे अभी इजीली पकड़ सकता हूँ गाइस, इजीली पकड़ सकता हूँ गाइस, मैं अभी इसे इजीली पकड़ सकता हूँ। भाई मैं एक ग्लिच पे फंस चुका हूँ गाइस, मैं एक ग्लिच पे फंस चुका हूँ भाई, ये मुझे देख ही नहीं पाएगा भाई, ये मुझे देख नहीं पा रहा, आप लोग देख पा रहे ना? ओ ओ देखो गाइस ये मुझे देख नहीं पा रहा। ओ मेरा नाइटविंग क्या ही फोड़ रही है भाई साहब, लिटरली मेरा नाइटविंग तगड़ा फोड़ रही है भाई। नाइटविंग आ जा तू भाई, अभी कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज हो जा हो गया गाइस, फाइनली हम लोग ने भाई गोरियन पोकेमोन को पकड़ लिया। जो भाई गोरिल्ला जैसा करता है हटते हैं, हम लोग ने उसे पकड़ लिया। मुसांडो को भी पकड़ लेते लेकिन भाई वो मर गया। एंड भाई मैं खतरनाक से ग्लिच में फंस गया भाई, कौन से ग्लिच है भाई, भाई लिटरली वो मैं पत्थर के अंदर अटक गया था। अबे लेकिन मैं जाऊँ कैसे, बाहर कैसे निकलूं,
अबे बाहर कैसे निकलूं भाई। देखो गाइस मैं कैसे यहाँ पर अटक चुका हूँ यार, मुझे ना वापस आई थिंक सो रिस्पॉन ही होना पड़ेगा गाइस। खैर गाइस कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर से भाई रिस्पॉन हो जाता हूँ, इधर पे मेरा ना मतलब जो चीज वगैरह है भाई वो इधर पे ही रह जाएगा, बाकी सारा चीज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अभी बेस से हम लोग वापस से इधर पे आएंगे एंड भाई पोकेमोन वगैरह को ले लेंगे अपना। ऑलराइट तो गाइस फाइनली हम लोग अपने बेस पे आ चुके हैं एंड ए रहा गाइस अपना गोरियट। भाई गोरियट मुझे चाहिए ही था यार, लेवल 24 का है ब्रो। बाकी सारा पोकेमोन को मैं कुछ भी खिला नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पर कुछ खाना वगैरह नहीं है, मुझे वापस से मेरा डेस्टिनेशन पे जाना पड़ेगा जहां पर मैं मरा हूं, वहां पर जाके मेरा सामान वगैरह उठाना पड़ेगा। एंड अभी गाइस हम लोगों ने गोरियट को तो मार दिया, मतलब गोरियट को कैप्चर कर लिया एंड और एक था मुसांडा, मुसांडा को हम लोगों ने डायरेक्टली मार दिया, कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन आज हम लोग कैप्चर उसे भी करेंगे। सो गाइस आप लोग टेंशन ज्यादा मत लो, तुम्हारा भाई आज सबको फोड़ेगा, सबको मार डालेगा, बॉस पोकेमोन को भी मारा, सबको मारेंगे भाई, तुम्हारा भाई किसी को छोड़ेगा नहीं आज, बस तुम लोग देखते जाओ। लिटरली आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर उस वाले में ग्लिच में नहीं फंसता तो भाई बहुत ही गंदा सीन हो जाता है यार, मैं मर जाता यार, मैं मर जाता, मरता तो खैर नहीं लेकिन उसको मारने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है भाई उस ग्लिच के वजह से। तो यार मैं आज बहुत ही ज्यादा खतरनाक बचा हूँ यार, बहुत ही भाई, अगर हो सके तो वापस एक बार ग्लिच यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करता हूँ भाई। अभी तो खैर ट्राई नहीं करूंगा मैं, सबसे पहले मुझे मेरा सामान वगैरह चाहिए। और राइट थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अबे चढ़ जा यार, क्या कर दिया भाई, अबे सामान वगैरह क्या मेरा अंदर ही घुस गया। हाँ, भाई अंदर नहीं घुसना चाहिए, अबे अंदर घुस जाएगा तो गलत, अबे अबे भाई गलत सीन भाई, इसको ऊपर रहना प्लीज, इसका भाई भाई अगर अंदर घुस जाएगा ना भाई लेटर, ओ नहीं नहीं कलेक्ट कर सकता दोस्तों, मैं इधर से कलेक्ट कर लिया भाई साहब, फाइनली 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 अभी मुसांडा को मारने का टाइम आ चुका है दोस्तों, अभी मुसांडा को मारेगा तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारी जान भाई। चलो मुसांडा को, ओ देखो और एक गोरियट भाई, दो दो गोरियट, अभी खैर गोरियट से गोरियट कह ही लड़ू भाई, मेरे पास 24 लेवल का गोरियट है, ये सब 23 का है यार, मुसांडा चाहिए अपने को, मुसांडा, मुसांडा किधर गया, हेलो गोरियट, अबे मुसांडा किधर गया। इधर पे भाई लोग सिंडिकेट बहुत ज्यादा रहता है, मुझे सिंडिकेट वगैरह से तो फाइट लेना है नहीं, मुझे मुसांडा एक चाहिए बस, मेरा भाई आज का खेल खत्म हो जाएगा उसके बाद। ओ लो मुसांडा आ गया, मुसांडा आ गया, आ गया मुसांडा, जा जा इससे लड़ना, इससे लड़, आ जा, अबे मेरे को तो छुपने दे, अबे मेरे को तो छुपने दे दोस्त, चल 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 मुझे वापस ऊपर जाने थे भाई, तेरी भैंस की टांग, मुझे वापस ऊपर तो जाने दे, अब वापस से खेलेंगे मेरी जान, वापस अभी तेरी को वापस से पकड़ेंगे मेरी दोस्त, मेरी जान भाई, तेरे को पकड़ने के लिए आ चुका हूँ मैं वापस से। भाई एप से हम लोग फुल पावर दे पाएंगे एप से, भाई गोरिल्ला मोड हम लोग यूज कर सकते उससे, तेरी भैंस की टांग भाई, पत्थर नहीं लगेगा यार, तेरे ऊपर ही पत्थर लग रही है भाई, क्या फायदा हुआ फिर भाई, मेरा यहाँ पर गोरियट का थोड़ा हेल्थ कम हो चुका है, जा नाइटविंग जा, थोड़ा थोड़ा करके इसे भाई, भाई इसका हेल्थ बहुत ही ज्यादा है लिटरली गाइस, मुसांडा का हेल्थ बहुत ही ज्यादा है भाई। अभी मैं सोच रहा हूँ अपना ग्रीन टेल को भेजते हैं, जाओ ग्रीन टेल मारो इसे, इसे फोड़ो, ओ ओ ओ ओ भाई अभी तो मैं फोड़ूंगा सबको, सबको फोड़ो भाई, ये गिर गया, ले ले इसको ले ले, अभी तेरे पीछे, तेरे पीछे हूँ, तेरे पीछे हूँ, ओ ओ गिरना नहीं है भाई, अगर गिर जाऊंगा गलत सीन हो जाएगा भाई, मेरा ग्रीन टेल का भी हेल्थ लो हो चुका है, ग्रीन टेल का हेल्थ भी लो हो चुका है, सबको खिला देते हैं, मैं भी खा लेता हूँ ग्रीन टेल, सबको खिला देना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा भाई, इसे स्ट्रैटेजी से ही मारूंगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे स्ट्रैटेजी यूज कर करके मारूंगा मैं भाई, गोरियट ज्यादा डैमेज नहीं कर पा रहा यहाँ पर, मैं मेरा नाइटविंग को भेजता हूँ वापस से, जाओ नाइटविंग वापस से जाओ, ओ भाई बच गया यार, मैं लिटरली खतरनाक बचाओ, मैं खतरनाक बचाओ, तो मारो मुसांडा को मारो इसे, ऐसे तैसे कैसे मुझे पता नहीं है लेकिन पकड़ना तो है ही है भाई, ले लिया मुझे वापस से अपने नाइटिंग को, जाओ नाइटिंग वापस से जाओ, लड़के तो दिखा, लड़के तो दिखा तेरी बहन की टांग, मैं बहुत देख रहा हूँ भाई इन लोगों को भाई, कब से भाई, कितना दिन से देख रहा हूँ, मतलब कल से मेरा नींद नहीं हुआ भाई, इतना मैं मार खाऊ ना भाई, मेरा मतलब नींद नहीं हुआ भाई, इतना मैं मार खाया लिटरली भाई, मेरा नींद नहीं हो रहा था, इसको जब तक मैं मारूंगा नहीं भाई तब तक मेरा मतलब यहाँ पर शांति नहीं मिलेगा मुझे, ओ नाइटविंग अभी मारने वाला था भाई साहब, लिटरली अभी जाओ डायनासोरम जाओ मारो 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 मारो, ओ नहीं डायनासोरम अभी भी नहीं गया, मैंने बॉल फेंक दिया था गलती से, बच गया बच गया बच गया, मैं तो बच गया दोस्त, अबे इधर पे जाना, इधर पे जाना भाई, गिर गया ना भाई, नाइस नाइस, मैं सोचा भाई वो अभी मुझे मार देगा लेकिन नहीं यार, मुझे मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है, तुम्हारा बाप हूँ मैं, तुम्हारा पापा आ चुका है दोस्त, तुम्हारे पापा आ चुका है भाई, पकड़ ले प्लीज, 8% 9% नहीं होगा, और एक तीर मारूंगा भाई, किधर गया तू, अबे किधर गया तू,
रुको रुको रुको, अभी हो जाएगा आई थिंक सो 9%, अगर फिर भी नहीं होगा ना, ओ हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। चल 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 भाई भाई भाई, मुझे ऐसे तैसे कैसे पकड़ नहीं है इसे भाई। वापस से नहीं होगा, वापस से एक बार मारना पड़ेगा, वापस से पकड़ ले। मैं इतना सारा ग्रीन बॉल इसलिए ही बनाया हूँ गाइस, पकड़ ले वापस से। ओ नहीं हुआ नहीं हुआ भाई, पकड़ ले यार, मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, मेरा ग्रीन बॉल खत्म हो जाएगा, लिटरली मेरा ग्रीन बॉल खत्म हो जाएगा। रुक रुक, अबे मर गया वापस से भाई, इसे पकड़, अबे इसे भाई मैं फिर कैसे पकड़ू, ये बार बार मर ही जा रही है यार, इसे भाई पकड़ना नहीं होगा यार, इसे मैं पकड़ नहीं सकता यार, ये बार बार मर जा रही है यार। मतलब आप लोगों ने भी देखा भाई यहाँ पर, इसे पकड़ने के लिए और एक भाई यहाँ पर स्पेयर होता है, आप लोगों को दिखाता हूँ भाई कौन सा स्पेयर। वेट अ मिनट वेट अ मिनट, इससे जब हम लोग पकड़ पाएंगे भाई, ये देखो गीगा स्पेयर गाइस, इससे हम लोग पकड़ पाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे भाई 20 लेवल पे आना होगा गाइस। 20 लेवल पे जब आएंगे तब हम लोग यहाँ पर गीगा स्पेयर ले सकते हैं। गीगा स्पेयर भाई मींस हम लोग का यहाँ पर जो ग्रीन स्पेयर है ना भाई, ग्रीन स्पेयर से भी 3 गुना ज्यादा पावर है इसका पावर, सो हम लोग इससे ही भाई वो वाला चीज को यहाँ पर हम लोग पकड़ पाएंगे। फिलहाल अभी के लिए यहाँ पर हम लोगों का ये वाला मेगा स्पेयर से भी हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार तो दिया हम लोगों ने 2-3 बार यहाँ पर सबको, बस इस पे ही हम लोगों को ज्यादा शांति मिलता है। ऑलराइट ऑलराइट, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर फर्स्ट ट्रेवल पे, अभी हम लोगों को जाना है अपने बेस पे। तो गाइस अभी देखते हैं हम लोग क्या क्या परचेस कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बाकी सारा चीज तो अपने पास है, खैर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिलहाल अभी के लिए यहाँ पर देख लेते हैं भाई, रात भी होने वाली है थोड़ी देर में, तो यहाँ पर मैं फटाफट देख लेता हूँ और क्या क्या हम लोग यहाँ पर चीज बना सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए यहाँ पर हम लोग फायर एरो क्रॉसबो बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी इंगोट चाहिए, नेल चाहिए। एंड गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो व्हीट प्लांटेशन भी हम लोग बना पाएंगे, देन यहाँ पर मिल भी बना पाएंगे, एंड देन यहाँ पर क्या मॉनिटोरिंग स्टैंड, ओके, एंड यहाँ पर नाइट विंग सैडल हम लोग को मिलेगा गाइस। ओ नाइट विंग सैडल गाइस, अभी हम लोग आसमान की ऊंचाइयों में उड़ उड़ के गाइस कहीं पर भी घूम सकते हैं, तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। तो बॉयज अभी हम लोग इसे अनलॉक नहीं करने वाले हैं भाई, कल के वाले वीडियो में नाइट विंग का सैडल को अनलॉक करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई ऊट वगैरह भी चाहिए, इंगोट भी चाहिए, यहाँ पर बहुत कुछ चाहिए। तो भाई आप लोगों को फिर से कल वाले वीडियो पे आना पड़ेगा, देन भाई आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल आज हम लोगों ने बहुत कुछ किया, लाइक हम लोगों ने खतरनाक सा ग्रैंडिल भाई यहाँ पर बॉस पोकेमोन को भी मार डाला, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने भाई और किसको मारा, मुसांडा को मारा भाई, वो भी एक नहीं गाइस, दो मुसांडा को हम लोगों ने मारा। एंड देन यहाँ पर गोरियोटो को भी हम लोगों ने मारा, एंड उसे बस मारा ही नहीं, हम लोगों ने कैप्चर भी कर लिया एंड अपने पास भाई कैद कर लिया। फिलहाल गाइज आज का गेम प्ले ऐसा ही था, कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, आई होप गाइज आप लोगों को अच्छा तो लगना ही चाहिए, ऊपर से रात भी हो चुकी है। चलो अभी मैं सोने चलता हूँ, तब तक के लिए यार बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।